फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा मॉम लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे अल्ट्रासाउंड में कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं और पैरामीटर्स होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक टर्म देखते होंगे, एलएमपी। ये तो सबको पता है, फिर भी मैं बताती हूँ। एलएमपी मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, आपके पीरियड का लास्ट डेट कब था। उसके बाद आप एक शॉर्ट फॉर्म और भी देखते हो, जैसे कि ईडीटी। ईडीटी का मतलब होता है एस्टिमेट ड्यू डेट, ठीक है। आपका जो एलएमपी है उसके अनुसार जो एस्टिमेट ड्यू डेट है, आपकी डिलीवरी की डेट, वो होती है ईडीटी। उसके बाद आप और एक टर्म देख रहे हो, एएफआई। यहाँ पे एएफआई का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है। आपके जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका वो मेजरमेंट है। उसके बाद आप और एक टर्म देखते हो, एफएचआर। एफएचआर मतलब फीटल हार्ट रेट, बेबी की जो दिल की धड़कन है उसको बोलते हैं एफएचआर, और वो मेजरमेंट की जाती है बीपीएम, मतलब बीट पर मिनट। इसके बाद आप देख सकते हो फीटल पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, उसका क्या मीनिंग होता है चलिए जानते हैं। सबसे पहला है बीपीडी। बीपीडी का अर्थ होता है बाय पैरेलल डायमीटर, मतलब बेबी का जो सिर होता है उसका एक ईयर से लेकर दूसरे ईयर तक सामने की जो गोलाई होती है उसे बोलते हैं बीपीडी, मतलब बाय पैरेलल डायमीटर। तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है एमएमएस में। उसके बाद आप देख सकते हो हेड सर्कमफेरेंस। यहाँ पर तो फुल फॉर्म में दिया है, पर कई बार आपको एचसी ही दिखा मिलेगा। तो उसका मतलब होता है कि बेबी का जो सिर है, उसका हेड है, उसका उसकी गोलाई, ठीक है। तो हेड सर्कमफेरेंस। उसके बाद आप देख सकते हो एबीडी सर्कमफेरेंस। एबीडी सर्कमफेरेंस का मीनिंग होता है जो बेबी का पेट है उसके गोलाई का मेजरमेंट, तो उसे बोलते हैं एबीडी सर्कमफेरेंस। उसके बाद आता है फ्यूमरल लेंथ। फ्यूमरल लेंथ यानी बेबी की जांघ की हड्डी, उसको उसकी जांघ से लेकर उसके नी तक की जो लंबाई होती है उसको फ्यूमरल लेंथ कहते हैं। उसका भी मेजरमेंट इस अल्ट्रासाउंड थ्रू लिया जाता है। उसके बाद आप और एक पैरामीटर देख सकते हो, टिबियल लेंथ। टिबियल लेंथ का भी मीनिंग होता है जो बेबी की पैर की हड्डी है उसके नी से लेकर उसके एंकल तक, उसे बोलते हैं टिबियल लेंथ। उसका भी मेजरमेंट अल्ट्रासाउंड थ्रू लिया जाता है। उसके बाद आप देख रहे हो ह्यूमेरल लेंथ। ह्यूमेरल लेंथ मतलब बेबी की जो कंधा है उसका लेंथ होता है ह्यूमेरल लेंथ। आई होप फ्रेंड्स, आपने ये सब पैरामीटर्स का मीनिंग समझ लिया होगा कि इसका क्या मीनिंग होता है। उसके बाद है फीटल वेट। फीटल वेट इसी जो आप पैरामीटर्स देख रहे हो बीपीडी, इसी का आधार लेकर कंप्यूटराइज प्रोग्राम द्वारा बेबी का उस वीक के अनुसार फीटल वेट मेजरमेंट किया जाता है। और आप जैसे कि देख रहे हो, ये मेरी वेट 19 वीक की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। तो यहाँ पर बेबी का वेट 328 ग्राम दिखाई दे रहा, और यहाँ पर प्लस माइनस ग्राम और एक ब्रैकेट में आप देख सकते हो। इसका मतलब है कि ये जो वेट दिया गया इससे बेबी का वेट 40 ग्राम कम भी हो सकता है या फिर 40 ग्राम ज्यादा भी हो सकता है। तो ये एस्टिमेट वेट है, एग्जैक्ट वेट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टर्म्स है, पैरामीटर्स है, शॉर्ट फॉर्म्स है जो कि अल्ट्रासाउंड में लिखाई देते हैं। आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको इन टर्म और पैरामीटर्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।